पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद से भड़की हिंसा में राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत की खबरें आ रही हैं। ऑल्ट न्यूज लगातार इस हिंसा से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो की पड़ताल कर रहा है। पश्चिम बंगाल की हिंसा से जोड़कर एक घायल महिला की तस्वीर शेयर की जा रही है। ट्विटर यूजर ईशा बजाज ने ये तस्वीर ट्वीट की और इसे बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हुई हिंसा से जोड़ा। ट्विटर हैंडल @MLA चंदना ने भी ये तस्वीर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की बताकर ट्वीट की। इसके अलावा और भी कई हैंडल्स ऐसे थे जिन्होंने ये तस्वीर इन्हीं दावों के साथ शेयर की। जब हमने इस तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च किया तो एक फेसबुक पेज पर यह मिली। इसे 4 नवंबर 2020 को अपलोड किया गया था, यानी ये तो साफ हो गया था कि पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद होने वाली हिंसा से इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस तस्वीर की असलियत क्या है? असल में यह मामला बांग्लादेश का है। वहां हाथजारी के अमन बाजार के पास रह रहे एक हिंदू परिवार पर हमला हुआ था। 1 नवंबर 2020 को रतन कुमार नाथ, उनकी बहू पुतुल नाथ और भतीजी मुक्ता रानी पर रुबेल, शाकिब, अरमान, उस्मान, मुर्शीद समेत कुछ लोगों ने हमला किया था। आर्टिकल में बताया गया है कि रुबेल और उसके साथी रतन कुमार नाथ के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। रतन के बेटे तपन कुमार ने बताया कि पुलिस ने 5 नवंबर तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की थी। ये सारी बातें हमें चट्टोग्राम प्रतिदिन की 5 नवंबर 2020 की रिपोर्ट में मिली। इसके अलावा हमें 4 नवंबर 2020 का एक और ट्वीट भी मिला जो एक बांग्लादेशी यूजर ने किया था। इसमें भी ऐसी ही बातें लिखी थी। बताया गया था कि मामला जमीनी विवाद का था। ऑल्ट न्यूज ने रतन नाथ से भी बात की। उन्होंने हमें बताया कि ये तस्वीर उनकी बेटी की ही है। यानी बांग्लादेश में जमीन के विवाद के कारण हुए हमले में घायल हुई एक महिला की तस्वीर हाल के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राज्य में हिंसा की घटनाओं से जोड़कर शेयर की गई। ऑल्ट न्यूज लगातार पश्चिम बंगाल से जोड़कर शेयर किए जा रहे कंटेंट पर नजर बनाए हुए है और वहां हुई हिंसा के नाम पर जो भी गलत जानकारियां परोसी जा रही हैं उनकी सच्चाई आपके सामने रखने में लगा हुआ है। अपने दर्शकों से हमारी ये गुजारिश है कि कोई भी न्यूज आर्टिकल, वीडियो या कोई तस्वीर शेयर करने से पहले तथ्यों की जांच जरूर कर लें।